डॉक्टर्स डे पर वसुधा फाउंडेशन द्वारा 61 डॉक्टर्स को किया सम्मानित। प्रयागराज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में वसुधा फाउंडेशन द्वारा तेज बहादुर सपराव बेली अस्पताल के सभागार में 55 सम्मानित गरीबों की सेवा में समर्पित चिकित्सकों और सिविल डिफेंस के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वसुधा अध्यक्ष उर्मिला जायसवाल, संचालन महासचिव मैथिली सिंह ने की, धन्यवाद ज्ञापन संरक्षक संगीता अग्रवाल ने किया। मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉ विवेक मिश्रा तथा विशिष्ट अतिथि CMS बेली डॉक्टर शारदा चौधरी, सम्मानित अतिथि डॉक्टर RKS चौहान द्वारा दिया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात वसुधा सदस्यों द्वारा स्वागत गीत गाकर सभी का स्वागत किया गया। रविशंकर द्विवेदी, भोलेश्वर उपाध्याय, मार्कंडे राय, डा हुमा आतिफ, डा आतिफ करीम, डा रोहित अग्रवाल, डा बीवी अग्रवाल, डा अखोरी, डा उत्तम सिंह यादव, डा ऋचा ककड़, डा संजय बर्नवाल, डा संजय सिंह इत्यादि बेली के समस्त डॉक्टर्स जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं उनको सम्मानित कर वसुधा धन्य हुई। सभी 61 लोगों को मेमेंटो और अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वसुधा संरक्षक संगीता अग्रवाल, उषा गुप्ता, कोषाध्यक्ष ललिता गुप्ता, सचिव अंशु नागर, श्वेता सिंह, सुशीला शुक्ला, नीलिमा उपाध्याय, रीना गुप्ता, नीलम प्रियदर्शी, ममता बरनवाल, आशा चक्रवर्ती, दीपाशा गुप्ता, कंचन कुशवाहा, अर्चना भट्ट, पूनम जायसवाल, मंजू श्रीवास्तव, मनीषा सिंह का सक्रिय सहयोग रहा। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। खबर जगत के लिए LK सोनी की रिपोर्ट। डॉक्टर दिवस के अवसर पे आज किस तरीके का ये प्रोग्राम था, क्या इस पे संदेश देना चाहते हैं? डॉक्टर्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें इन्होंने सभी को आपको सम्मानित किया, एक मोमेंटो किया और सबको आने का आभार व्यक्त किया। तो हम ये पहली बार मेरे साथ तो ये है कि पहला फर्स्ट टाइम जो है वसुधा फाउंडेशन से मिली, हालांकि उनकी जो डायरेक्टर है वो उनको मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो डॉक्टर्स को जो एक इमेज समाज में बनी हुई है कि डॉक्टर्स के लिए लोग हर तरह से तरह तरह की बातें करती है, तो थोड़ा सा एक जो पब्लिक का और डॉक्टर्स का जो समाज में एक खराब माहौल बन गया है उसके लिए भी हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा कोई भी काम जो है वो आपस में एक दूसरे के समन्वय से ही होता है और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि समन्वय बना के ही काम करना चाहिए तभी काम को सफल होता है। तो इस समारोह में हम यही एक आशा करते हैं कि जो भी समाज के लोग हैं वो डॉक्टर्स का सम्मान करें और कोई भी काम है पूछे, डॉक्टर हमेशा काम के लिए तत्पर रहते हैं। वो बात अलग है कि कहीं काम ज़्यादा होता है, कहीं काम कम है, कहीं वे लोग गलत कर देते हैं, लेकिन उससे इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर मन से किसी को डांटते हैं या कुछ कहते हैं। तो इसमें कुछ भी अगर इस तरह की चिकित्सक दिवस है इसके उपलक्ष्य में हम लोग हमेशा ही गवर्नमेंट डॉक्टर्स को सम्मानित करने की कोशिश करते हैं, मुख्यतः गवर्नमेंट डॉक्टर्स को या फिर प्राइवेट में जो लोग कुछ गरीबों के लिए काम कर रहे होते हैं ऐसे नामों को। और धरती के भगवान के सम्मान का आज हम लोगों ने आयोजन किया, करीब 55 से 60 लोग यहाँ सम्मानित हुए हैं। बेली की पूरी टीम 48 डॉक्टर्स को सम्मानित हुई है, उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स बाहर के भी जो आए थे। और कोरोना टाइम से कुछ विशेष श्रद्धा सरकारी डॉक्टर्स के प्रति लोगों में हुई है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो देवतुल्य काम था और रोज़ इतनी विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना किसी आम आदमी के बस का नहीं है। ये तो डॉक्टर्स हैं जो वो कर पा रहे हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियाँ होती हैं, CSC PSC हो या वार्ड्स हों,